सर्वप्रथम नवरात्रों में नव विक्रम संवत 2077 की देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से कामना करता हूं कि आपका जीवन सफल हो और आप मंगल में रहें, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आज पूरे विश्व के स्तर पर कोरोना नाम की एक भयंकर बीमारी चली हुई है। इसका इलाज सिर्फ बचाव ही है, बचाव में ही सुरक्षा है। इसको रोग को आगे न बढ़ने दें, इसके लिए आप जिस व्यक्ति को खांसी बुखार या जुकाम हो तो उससे अपनी दूरी बनाए रखें और उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के जाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आह्वान किया है, जो जनता कर्फ्यू लगाया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इससे देश का वातावरण शुद्ध हुआ है। वह ये जो वायरस है ये आगे बढ़ता है, इसका चक्कर भी टूटने का इसमें काम हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं विशेष करके धन्यवाद करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सजग प्रहरी के रूप में हमारे देश में अंदर जो महामारी फैलने से बचाव के जो उपाय किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और उन देशवासियों व उन विश्व स्तर पर जो व्यक्ति कोरोना वायरस नाम की ये भयंकर बीमारी से बचाव के अंदर जुटे हुए हैं, और जो हमारे जो कर्मचारी जो साथी हैं उनको भी मैं सलूट करता हूँ, और उन डॉक्टर्स को भी मैं बधाई देता हूँ जो इसके बचाव में लगे हुए हैं। वह आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप ये सब बातें आज विज्ञान ने भी मान ली हैं कि जो हमारे प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति थी, उसके अंदर जो रीति रिवाज थे वो आज अपनाए जा रहे हैं। आज विश्व स्तर पर हिंदू संस्कृति को माना जा रहा है। कोरोना नामक भयंकर बीमारी आप सभी को पता है किस तरह से उत्पन्न हुई और इसके बचाव के ही क्या उपाय हैं। इसलिए हम सात्विक जीवन जिए, ऋषि मुनियों का अनुसरण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, जो हम घर पे ही रहें, आप सबको ये पता चल ही गया होगा कि घर एक मंदिर है, इसको चरितार्थ किया है आज के समय ने, और यही समय की मांग है। एक बार पुनः नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और विशेष करके हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी व चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस सजगता से, जिस सोच के साथ उन्होंने प्रदेश के अंदर जो ये सुरक्षा चक्कर चलाया है और जो भी घोषणाएं की हैं उनके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। एक बार पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है उसका अनुसरण करें और अपने घर के अंदर ही रहें, और घर के अंदर रह करके ही सुरक्षा के उपाय तलाशें। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप सुबह प्रातः उठ करके और गिलोय का काढ़ा पिए, इससे भी आपको इससे रोग से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी।